रखना है कि हम कितना शॉर्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए था, ऊपर चाहिए था ए प्लस बी प्लस सी, तो ए आ गया 3, बी आ गया 4, सी आ गया 7, 14 हो गया और नीचे सी है 7, तो आंसर आ गया 2। बस इतना ही लिखना है, इतना ही सोचना है। सर सही है, तो ऑप्शन हमारा होगा बी। देखो तीसरा वाला क्वेश्चन, सब बच्चे के देखो तीसरा क्वेश्चन। हाँ भाई, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच नंबर ऑफ 6, 14, 18, 38 टू मेक देम इन द प्रोपोर्शन। इसको सॉल्व करने से अच्छा है चेक करो, अगर मैं इसमें 1 रखूं तो 1 रखने से क्या होगा, 7, 15, 19, 39, ये कोई रेशियो नहीं बन रहा, एकदम से डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसमें 2 रखूं तो क्या बन रहा है, 8, 16, 20, 40, तो 8 और 16 का रेशियो 1:2 और 20 और 40 का रेशियो 1:2, यही मेरा आंसर है। सब बच्चों को समझ में आ गई ये बात? यस सर। बेटे आपसे कह रहा क्या ऐड करें, रेशियो प्रोपोर्शन हो जाए, तो प्रोपोर्शन का मतलब है सेम रेशियो में। तो मैं सॉल्व करूंगे, मैं अगर यहाँ पे इसे सॉल्व करने का मतलब था ऐसे, 6 प्लस x अपॉन 14 प्लस x इज इक्वल्स टू 18 प्लस x अपॉन 38 प्लस x, तो ये बहुत मुश्किल चीज थी कि x निकालना। उससे आसान क्या है, फिर रख लो, जैसे ही रखो रेशो देखो सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसमें ऑप्शन था बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1980 आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी सो दैट, कल भी क्वेश्चन किया था, फिर दोबारा से देखो। आपसे कह रहा था हाफ ऑफ ए, ए बाई 2, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं थी, 1/3 ऑफ बी और 1/6 ऑफ सी आर इक्वल। मैंने कहा था अगर रेशो फ्रैक्शन में होते हैं जैसे दिया गया तो वही रेशो होगा, इसका मतलब ए हो गया 2, बी हो गया 3 और सी हो गया 6। बस अगर अपॉन में दिया हुआ है, फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, तो वही हमारा रेशो हो गया, तो रेशो हो गया 2:3 से। तो आपसे कह बी का पार्ट बताओ, तो बी यहाँ पे है 3 और टोटल कितना हो गया, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11, और कितने में से, 1980 में से। तो ये मेरा आंसर आ गया, 11 से आएगा 1, 11 से आएगा 8, 18 3 जाओगा 54, तो आंसर आएगा 540। तो इतना ही लिखना था आपको, डी ऑप्शन। सबको आवाज आ रही है, तो समझ में भी आ रहा है कि हम क्या लिख रहे हैं? जी सर। गुड, अब देखो जरा, ए मनी टू बी एंड इज 4:5 और बी इज 2:3, तो जब हम सॉल्व करते हैं ना तो एक रिदम बना होता है, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी दिया हुआ है 4/5 और हमें दिया हुआ है बी अपॉन सी और बी अपॉन सी हमें दिया हुआ है 2/3। आपसे कह रहा है ए के पास 800 है, सी बताओ, तो ये क्वेश्चन तब होगा जब हम ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे। तो मैंने आपसे कहा था इस तरह के क्वेश्चन में जो बी वाला पार्ट होता है उसको इक्वल करते हैं, उसको इक्वल कैसे करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऐसे। तो ए आएगा 8, बी आएगा 10 और सी आएगा 15, तो ये तो हो गया रेशो 8:10:15। तो आप इसको ऐसे समझते कि ए है 8x, लेकिन आपसे कह रहा है ए तो 800 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 800 रुपीज, तो इसका मतलब x की वैल्यू 100 आ गई, तो C होगा 15x, तो 15 × 100 कितना हो गया भाई, 1500, तो ऑप्शन होगा C। सर समझ में आ रहा है? गुड, देखो क्वेश्चन नंबर 10, 94 इज डिवाइडिंग, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, नोट 10 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, 94 इज डिवाइडेड, ठीक है, इनटू टू पार्ट्स इन सच दैट ए वे दैट द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, जैसे कह रहा है वैसे लिख लो, a by 5 upon 8 part of the second, b का 8 part, r in the ratio 3:4, ये दिया हुआ है। तो अब आपके पास क्या आएगा, 8 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 8a और 5 आएगा नीचे, 5b is equals to 3/4, तो मल्टीप्लाई कर दो, a upon b निकालना है मुझे, अगर a upon b निकालना है, 5 3 जा 15, a upon b is equals to 15/32, ये रेशो निकालना था पहले बस, तो a आ गया आपका 15, b आ गया 32, टोटल हो गया 47। तो हमारे पास क्या है, 94 टोटल है, फर्स्ट पार्ट बताओ, a बताओ,
तो ए को आपको लिखना था 15 है, 47 में से 94 में से कितना होगा, जैसे हम रेशियो सॉल्व करते हैं तो 15 टू जा 30, तो बी आ गया 30। सर सही है ये बात? नहीं समझ आया मुझे। नहीं समझ में आया? दोबारा हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई दोबारा देखो, दोबारा अरे कोई बात नहीं, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटे, हमें निकालना है ए और बी का रेशो। पहले हमें दे रहा है कि ए अपॉन 5 फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट और 8th पार्ट ऑफ सेकंड, उनका रेशो दिया हुआ है 3/4। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे ये करना है आपको। ये 8 कहां जाएगा और ये 5 कहां जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई होगा b से और 8 मल्टीप्लाई होगा a से। इतना तो समझ में आ रहा है या ये भी नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे 8a अपॉन 5b इज इक्वल्स टू 3/4। बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, अब 5 से मल्टीप्लाई करो, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटे, अब ए और बी का रेशो आ गया, रेशो मतलब 15:32, लेकिन आपको तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कह रहा है 94 को डिवाइड करो, कितने को डिवाइड करो, 94 को। तो अब हम रेशो, मैंने अभी जो आपको सिखाया था, अगर मुझे ए निकालना हो तो ए कैसे निकालोगे, इस क्वेश्चन के हिसाब से ए है 15 पार्ट और टोटल इन दोनों रेशो का सम कितना हो गया, 15 का और 32 का सम 47 हो गया बेटे। तो ए 15 है आउट ऑफ 47, तो 94 में से कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो 47 से बेटे 2 और 15 2 जा 30। समझ में? यस सर, यस सर। आगे सब बच्चों को? जी सर। गुड, चलो नेक्स्ट देखो। आपसे कह रहा है बैग कंटेन 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। अगेन वही वाला क्वेश्चन है जो हम कल कर रहे थे। हमारे पास 50 पैसे का बात हो रही है, 25 पैसे की बात हो रही है और 10 पैसे की बात हो रही है और रेशो दिया हुआ है 3, 4, 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हम ले लेते हैं कि भाई 3x पॉइंट्स जो है 50 पैसे वाले हैं, 4x पॉइंट्स जो है 25 पैसे वाले हैं और 5x पॉइंट 10 पैसे वाले हैं। ये नंबर ऑफ कॉइंस हुए। अब इन नंबर ऑफ कॉइन से जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, अगर हमारे पास 3x कॉइंस 50 पैसे वाले हैं तो उनसे अमाउंट कितना बनेगा। 50 पैसे का मतलब क्या होता है, 50 पैसे का मतलब होता है हाफ रुपीज, तो इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x/2। तो इतने रुपए तो हमें मिलेंगे 50 पैसे के सिक्कों से। हमारे पास 4x सिक्के हैं 25 पैसे वाले, 25 पैसे होते हैं 1/4, तो इसे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 5x पैसे हैं हमारे पास 10 पैसे वाले, उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना अमाउंट हमारे पास होगा और हमारे पास टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है वो 12 रुपए दिया हुआ है। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। ये सब बच्चे बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं, कि 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, 10 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ। सब बच्चे बताओ ये बात। यस सर, आ गई। सबको आ गई? यस सर। ठीक है, अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे बेटे तो 4 से 4 कैंसिल कर दो और 5 से 2 कैंसिल कर दो और एलसीएम ले लो 2। अगर आप एलसीएम 2 लोगे, एलसीएम अगर आप 2 लोगे बेटे तो आएगा 3x, ये आएगा 2x, ये आएगा x इज इक्वल्स टू 12। तो 3 + 2 = 5, 5 + 6, ठीक है, 6 × 2 = 12, x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4। तो अगर x इज इक्वल्स टू 4 आएगा, 4 रुपीस, तो आपके पास 4 तो x आया ना, तो आपको चाहिए था कौन सा, 25 पैसे वाले कॉइंस, तो 25 पैसे वाले कॉइंस है 4x, तो 4 जा 16, तो हमारा आंसर आएगा बी 16, 4x, तो 4 × 4 = 16।
समझ में आ गया सर? आ गई सब बच्चों को समझ में आ रहा नहीं? यस सर आ गई। कुछ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो इजी था। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल 720 स्टूडेंट इज 7:5। ठीक है, हमारे पास क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन द गर्ल्स 720 स्टूडेंट। अब देखो बिल्कुल एकदम से लिखो भाई, हमारे पास ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हैं? 7। बॉयज कितने हैं? 7। कितने में से? 12 में से, 7/12। लेकिन टोटल स्टूडेंट्स हैं 720, तो इसे अगर आप कैंसिल करोगे तो 60 आएगा, तो 7 6 42 होता है, तो बॉयज हो गए 420। बॉयज कितने हो गए? 420। स्टूडेंट्स थे 720, तो गर्ल्स रह गई 300। ये वाली बात बताओ सब बच्चे, आ गई समझ में या नहीं? जी सर। लेकिन आपसे कह रहा था कि गर्ल्स कितनी ऐड करें जिससे रेशो 1:1 हो जाए, तो भाई 1:1 तो दोनों को बराबर करना है, तो बॉयज 420 हैं, गर्ल्स 300 हैं, तो कितनी गर्ल्स और चाहिए? 120। आंसर आ गया। आंसर आ गया नहीं आ गया? आ गया। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देखो सर, ये थोड़ा सा मैंने वैसे सोचा था मतलब, ठीक है, एक तो इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो और एक इसको मैंने जैसे सोचा था वो समझ लो। आपसे कह रहा है ये क्वेश्चन है क्या वो समझ लो पहले, इक्वेशंस कैसे बननी है इस क्वेश्चन की, थोड़ा सा अलग है लेकिन मैंने सॉल्व किया से दोनों मेथड से। एक तो ये है कि हमारे पास ए और बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो बात कर रहा है इनकम की, तो इनकम जो दी हुई है वो 3:2 की रेशियो में दी हुई है। आपको ये सोचना पड़ेगा क्योंकि ए और बी का रेशियो है इनकम का, तो 3x और 2x, तो अगर ए का इनकम 3x है तो बी का इनकम 2x हो जाएगा। अब बात कर रहा है एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर कर रहा है 5:3, तो यहां पे आप एक्सपेंडिचर का रेशियो ले लो वाई, कि भाई ए का एक्सपेंडिचर 5y है और बी का एक्सपेंडिचर 3y है। अब दोनों की जो सेविंग है वो 1500 है, अगर दोनों की सेविंग 1500 है तो आपके पास क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, 3x-5y इज इक्वल टू 1500, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 2x-3y इज इक्वल टू 1500। अब इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना आता हो तो हमें या तो x को इक्वल करना होता है या y को इक्वल करना होता है, ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2×3=6x, 2×5=10y, और ये हो जाएगा 3000, और इसे करेंगे 3 से 6x, 9y, 4500, तो माइनस कर देंगे, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, x से x कैंसिल, माइनस का y और माइनस के 1500, तो y is equals to 1500। अगर y is equals to 1500 आ रहा है तो x रखेंगे, इसमें रख देते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये 45 6000, x आ जाएगा 3000। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही जी, इनको आ तो रही है सर, आ गई, x आ जाएगा 3000। तो हमारी जो इनकम थी, हमसे इनकम पूछ रहा था कि भाई इनकम बताइए बी की, तो बी की इनकम है 2x, तो 3×2=6000। एक तरीका तो ये था, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। अब जरा आप सब बच्चे ध्यान से देखो कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि अलग सा क्वेश्चन है, इसको दो बार समझ लीजिए। देखो इसे डिटेल में समझ लो, क्वेश्चन थोड़ा सा नया सा एक तरह से, तो इसे थोड़ा सा डिटेल में समझो। एक तो मैंने आपसे अभी क्या कहा कि ए की जो इनकम है वो 3x है,
बी की इनकम होगी 2x, ठीक है सर। ये ए है, ये बी है, यहां ऐसे लिख ले, ये हो गया इनकम। जब एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है तो 5:3 का रेशो दिया हुआ है, तो 5:3 का मतलब अगर इसका एक्सपेंडिचर 5y है तो इसका एक्सपेंडिचर 3y है। सेविंग की बात कर रहा है तो सेविंग दोनों का दिया हुआ है 1500, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो ये तो या तो आप सॉल्व करोगे ऐसे दो इक्वेशन बना के, जब इक्वेशन बना लोगे सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास जो आएगा, ठीक है, एक्स की वाई की वैल्यू तो आई है 1500 और एक्स की वैल्यू आएगी 3000। तो अगर एक्स की वैल्यू 3000 आएगी तो आपका जो आंसर है, बी की इनकम पूछ रहा था तो बी की इनकम है 2x, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 6। एक तो तरीका है कि इक्वेशन बना के सॉल्व करना, लेकिन मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं आप सब बच्चों को, जरा ध्यान से देख लो, थोड़ा सा उसको सोचना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूं। आप मुझे ये बताओ, सब बच्चे जरा सुन रहे हो ध्यान से? जी सर। यस सर। देखो आप मुझे ये बताओ कि मेरे से पूछ रहा है बी की इनकम बताओ, क्या पूछ रहा है बी की इनकम? मैं आंसर से ले रहा हूँ वापस। तो अगर बी की इनकम में 6000 रुपए मान लू, मेरा जो पहला ऑप्शन है ए है वो मैं मान लू, बी की इनकम में 6000 रुपए मान ले रहा हूं, ठीक है भाई, लेकिन जो बी का रेशो दिया हुआ था वो 2 दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था 2 रेशो दिया हुआ इनकम का 3:2, तो 2 से 6000 को कितनी बार डिवाइड करना पड़ रहा है? 3000 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को भी 3000 से मल्टीप्लाई करो तो ए की इनकम इसके हिसाब से 9000 आ जाएगी। ये वाली बात सबको समझ में आई या नहीं आई, बस ये बताओ। यस सर आ गई। सब बच्चे बताओ। यस सर। बेटे अगर ए, अगर बी की इनकम आप 6000 रुपए मान रहे हो लेकिन रेशो में 2 पार्ट है उसका, तो 3000 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की इनकम भी 3000 टाइम मल्टीप्लाई होके 9000 हो जाएगी। तो एक चीज तो हम आंसर से मानते हैं कि भाई ये मेरी इनकम है, अब दूसरी चीज हम क्वेश्चन के कंडीशन से मानेंगे। यहाँ पे हमारे पास दोनों की सेविंग 1500 है, दोनों की सेविंग कितनी है 1500। अगर दोनों की सेविंग 15 है तो एक्सपेंडिचर कितना है भाई? ए की इनकम हो गई 9000 रुपए, ए की इनकम हो गई 9000 रुपए और उसने सेव किया है 1500 रुपए, तो इसका मतलब वो 7500 रुपए खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है? और बी की इनकम थी 6000, सेविंग है 1500, तो वो खर्च कर रहा है 4500 रुपए। अब जरा ये बताओ क्या इन दोनों का रेशियो 5:3 है या नहीं? है सर। है सर। यस सर। बस यही आंसर है। आगे बेटे एक चीज तो आंसर से लेते हैं कि इनकम ये है, तो इनकम 3:2 हमने आंसर से मानी, अब हमारा एक्सपेंडिचर अपने आप 5:3 आना चाहिए और वो आ रहा है, तो यही मेरा आंसर है बस। क्लियर हो गया सबको? यस सर। नेक्स्ट देखो, लास्ट था ये तो बहुत आसान सा था। शमी प्रेजेंट एज टू पवन प्रेजेंट एज इज 7:9, कल भी किया था। जब 7:9 है तो इसको हमने मान लिया था कि भाई शमी हो गया हमारा 7x और पवन हमारा हो गया 9x, 3 साल पहले हो जाएगा 7x-3 और 9x-3 और उनकी रेशो का एज हो जाएगा 3 साल के पहले 3:4। सर सही है? करंट एज है 7x 9x, 3 साल पहले हो गया 3:4,
ठीक है, अभी हम इसको सॉल्यूशन से भी चेक करेंगे। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 4 7 जा 28x, 4 3 जा 12, 9 3 जा 27x, 3 3 जा 9। तो 28 में से 27 गया x, 12 में से 9 गया 3, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो आपको किसकी एज चाहिए थी? शमी की। तो आपके पास कितना हो गया? 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 क्या आंसर है? ठीक है सर। अब जरा एक चीज दूसरी देख लो, ये तो था सॉल्यूशन, दूसरा देख लो हमारे पास क्या था। सबको समझ में आ गया ये? यस सर। अब दूसरा देखो सॉल्यूशन से, एक्चुअली क्या कह रहा है कि भाई शमी की एज जो है और जो पवन की एज है वो 7:9 है। कितना है आपसे कह रहा है? शमी की एज बताओ। तो शमी की जो भी एज होगी वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 का मल्टीपल। तो 7 का मल्टीपल 27 नहीं होता, 26 भी नहीं होता, 19 भी नहीं होता, एक ही बचता है बस। सर समझ में आया कुछ? ये ज्यादा आसान था। ठीक है सर, दोबारा बता दीजिए सर एक बार। कौन सा? ये मल्टीपल वाला? जी सर। यस सर। हमारे से हमारी एज दी हुई है ना, शमी की और पवन की एज का जो रेशो है वो 7:9 है। तो इसका मतलब 7 के मल्टीपल्स में ही आना चाहिए। फ्रैक्शन में तो एज आएगी नहीं कि भाई डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो शमी की डी ऑप्शन है वो 21 है। तो 7 से कितने टाइम्स हो रहा है? वो 3 times। तो अगर ये 3 times हो रहा है तो पवन भी 3 times होगा। तो 9 3 जा 27, इस तरह से होना चाहिए। मतलब तो एक ही ऑप्शन बैठ रहा है इस हिसाब से। लेकिन एक चीज और सुन लो, सपोज करो एक से ज्यादा ऑप्शन है, सपोज करो एक से ज्यादा ऑप्शन 7 के, मतलब मान लो यहाँ पे 14 भी होता, फिर हम क्या करते भाई? अगर हमारे पास एक जो है 14 भी आ जाता तो फिर हम क्या करते? तो अगर 14 हमारे पास आ जाएगा तो उसमें यह देखना था कि हम इसको पहले आंसर लें और फिर 3 साल बाद उसकी रेशो वो 3:4 बन रही है या नहीं बन रही है। जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये मान लूं मैं कि 7 शमी की एज हो गई 21, तो पवन की एज हो गई 27। हाँ सर समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। 3 साल कम करो, एक की एज हो जाएगी 18 और एक की एज हो जाएगी 24। तो 18 और 24 में 18 और 24 का रेशियो 3:4 होता है या नहीं होता? आगे समझ में भाई, अगर हम ये ले रहे हैं कि ये 21 है और ये है 27, तो 3 साल पहले ये कितना था सर? 18। ये 3 साल पहले कितना था? 24। तो इनका रेशियो कितना है? तो इनका रेशियो है सर 3:4। तो इस तरह से हम आंसर से भी चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलो जी, ऑल द बेस्ट। बढ़िया हो रहे हैं आप लोगों के मार्क्स, हाईएस्ट जो है हमारी बच्ची के मार्क्स हैं। ठीक है भाई, सुमैया के माशाल्लाह, और फिर इस्तकाल मियां के हैं 8, और माशाल्लाह 7 तो बहुत सारे बच्चों के, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, बढ़िया है, और कोशिश करिए। ठीक है सर। सर क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो गया था, लेकिन सर अटेम्प्ट करने में कुछ सर गलत हो गया सर। हाँ वो तो भाई उसी से तो देखना है, और अटेम्प्ट पे कोई तो बचाना है कि भाई अटेम्प्ट अच्छे से हो जाए जल्दी जल्दी, उसी की तो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। ओके सर। तो इंशाल्लाह कल कोई दूसरी क्लास लेंगे और शाम में इंशाल्लाह DIDS आपसे डिस्कस करेंगे 10 बजे चाय के साथ। ये मैं भेज रहा हूँ आपको क्वेश्चंस भी और ये सॉल्यूशंस भी सारे, और इसका वीडियो का लिंक भी। आज मैंने कुछ वीडियो के लिंक्स भी शेयर करे जो मैंने अपलोड करे यूट्यूब पे। जी सर। जी सर। तो आप देख देखते हैं सर। ओके बेटा जी, ये भी मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, इसको भी देखो। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।